हमारे ब्रदर हैं और यहाँ पे दुकान, और अगर आप लोग बारह नगर आ रहे हैं तो अगर मिट्टी का बर्तन नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग हम बनाने इसलिए जा रहे हैं कि क्योंकि हम जा रहे हैं बारह नगर माता के स्थान पर, और वहाँ पे जाकर नहाएंगे धोएंगे और पूजा पाठ जो भी होता है वहाँ पे करेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो में हैं तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, बहुत मज़ा आएगा। तो हम और हमारे बहनें देखिए वहाँ पे हैं, दो लोग जा रहे हैं, और वहाँ पे जाने के बाद कोई मिल जाए तो कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम निकलते हैं अब यहाँ से। देखिए हमारा बहनें गाड़ी चला रहा है अभी और हम पीछे बैठे हैं, जैसे वीडियो शूट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ का रोड बहुत ख़राब है, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, इतना जा पानी वानी भरा है, इसलिए बाइक आराम से ले चलना है। देखिए बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए कितना रोड का सीन कैसा है, कितना मस्त हरा हरा भाई साहब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा पेड़ है जो कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देता है, पीपल का पेड़ है। हम लोग अभी खड़ंजा रास्ते चल रहे हैं, इसलिए गाड़ी थोड़ा चलाने में दिक्कत हो रहा है। अभी हमारा बहने भी नया लग रहा है हमको देखने में। तो अब हमको मिल गया बीच। देखिए इधर का रास्ता जो है बीच है वो अच्छा है। तो अब निकल रहे हैं, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, आप लोग बने रहिए। अभी देखिए माता के स्थान पर पहुंच गए हैं और भीड़ भाड़ है, अकेले नहीं नहाना पड़ेगा हमको। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, आदमी नहा रहे हैं इसमें। और तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। आगे 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 देख लो कहीं लगा। तो दोस्तों काफ़ी मेला यहाँ पर लगा है, इतवार होने के नाते इतना भीड़ है। हम सोचे कि भीड़ भाड़ नहीं रहेगा तो अकेले नहाना पड़ेगा, इसलिए तो यहाँ पे तो काफ़ी आदमी नहा रहे हैं। अभी वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी हो रही है इस समय, देखिए हमारा बहने जो है बाइक लगा रहा है, लॉक नहीं हो रहा कहाँ। तो दोस्तों बाइक लॉक हो गई है, हमारा बहने बोल रहा है लॉक नहीं हो रहा है। तो आइए अभी चलते हैं, नहाते हैं, देखते हैं कितना पानी दूरी पे। और इस नदी का नाम है गंगा जी, जिसे सरयू नदी भी बोला जाता है। अब देखिए मेरे मामा पूजा करेंगे, देखिए कितनी भीड़ है, यही अकाल माता का स्थान, यही अकाल माता का स्थान यहाँ पर बारह नगर का, जो यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ लगी है। यहाँ पर देखिए मेरे मामा यहाँ पर बुला रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर मेरे मामा पूजा करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर मेरे मामा पूजा कर रहे हैं, कपूर को बुला रहे हैं, और यहाँ पर देखिए बत्ती जलाने जा रहे हैं। अरे खुला, ये तो देखिए यहाँ पर ये बेचारे कितने बेचारे मांग रहे हैं, यहाँ पर देखिए गोड़ धर रहे हैं, गोड़ पर धर रहे हैं, और इन लोगों का कैसे गुजारा होता होगा आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर काली माता का स्थान, देखिए देखिए मांग रहे हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर
अरे यहाँ पर देखिए खुला ना है, यहाँ पर देखिए मामा को यहीं पर पसंद करें, यहाँ पर देखिए देते देते दे पसंद करें यहाँ पर। आप लोग वीडियो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और हम आपका कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे, जैसे कि कमेंट जरूर करना। तो देखिए इधर पूरा चारों तरफ जैसे कि राउंडिंग बना है, इधर सब जनता जैसे कि जो सेवक हैं या जो यहाँ पे पूजा पाठ करने आते हैं वो परिक्रमा कर सकें। इसलिए देखिए यहाँ पे सकते हैं कि पूरा रास्ता बना हुआ है कि इधर से उधर आदमी जा सकें। और चलते चलिए माथे तक दिखा देते हैं, ऐसे करीब इधर से पूरा परिक्रमा आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर आए कभी भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिक्रमा करने का पूरा रास्ता है और बना हुआ है। तो दोस्तों चलिए निकलते हैं यहाँ से अभी, और माता का स्थान है ये देखिए। तो चलिए निकलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। ये हमारे बिरादर हैं और यहाँ पे दुकान लगाए हैं, देख सकते हैं हम भी प्रजापति हैं, ये भी प्रजापति हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैठे हैं। और अगर आप लोग बारह नगर आ रहे हैं तो अगर मिट्टी का बर्तन आपको आवश्यकता है तो हमारे बिरादर यहाँ से ले सकते हैं, और पूरा अच्छा भी अच्छा बर्तन बनाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक है और सब सामान है, पराई है और उसका क्या नाम है हांडी भी है, मतलब जो भी चाहते हैं आप ले सकते हैं, और बढ़िया सामान कम पैसा में। और यहाँ पे देखिए खिलौना का सामान है, ये भी हमारे गाँव के बगल के हैं, आप देख सकते हैं पूरा बाजार मतलब मेला वाला में सब जाते हैं। अगर इन्हें देखिए तो इनके यहाँ से सामान लीजिए अगर आप मेले में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए, और ठीक है ना खाने के लिए। हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे ना, बोलो क्या फुटी तो बना था। देखिए दोस्तों मेरे मामा कुछ खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बोल रहे हैं मज़ा आ रहा है बहुत फुल्की खाने में। कि दोस्तों फुल्की हम सब खा चुके हैं, अब चलते हैं और कुछ खाने। तो साथियों फुल्की काफ़ी अच्छी थी, इसलिए देखिए आँख में पानी आ गया है, बहुत मस्त था। तो अभी हम सोचते हैं थोड़ा जलेबी खा लें, मुँह मीठा हो जाए। करिया गरम रहे। ये है हमारे भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। हाँ जलेबी तो हम ले रहे हैं अभी, ज़्यादा नहीं एक पाव क्योंकि हम दो जने हैं, तो इसलिए जलेबी ले रहे हैं खाने के लिए। तो दोस्तों घर पे आ गए, घर पे का अपने अड्डा पे आए हैं, और घर पे वीडियो नहीं बनाते हैं अभी, वही थोड़ा डर लगता है दादा से अभी। अभी वो जानते नहीं है कि हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, इसलिए अड्डा पे आए हैं अपने। यहाँ पे हमारा ऑफिस है, यहीं पे बैठते हैं सब, यहाँ पे देखिए। तो खाना वाना खा कर घर से आए हैं, अब यहाँ पे एक डेढ़ घंटा रहेंगे और वीडियो एडिट और शूट वूट होगा यहाँ पे। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।